ونصلي على رسوله الكريم करीम بعد आज का सबक सुन लीजिए सबक नंबर तीन सौ छप्पन थ्री फिफ्टी सिक्स बहुत ध्यान से सुनिए आज कल लोग जो है ये गुर्दे की बीमारी में बहुत मुबतला हो रहे इसी तरीके से कैंसर की बीमारी में मुबतला हो रहे अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं अल्लाह ताला हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए सारी मखलूक की अल्लाह ताला हिफाजत करे लेकिन कुछ नसीहत और कोई जो है यानी चीज मिली है किताबों में से मैं आरस कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए नंबर एक जो भी आप इलाज कर रहे हो डॉक्टरी वो इलाज तो अपने एतवार से करते रहिए वो इलाज न छोड़ें लेकिन एक बात जैसा जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से आप अगर अमल करें तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सामने वाले को अल्लाह ताला शिफा देगा और कई लोगों को हमने बताया और उनकी तरफ से शिफा होने की खबरें आई हैं। नंबर एक ग्यारह मरतबा दुरुद शरीफ पढ़ लीजिए जो दुरुद आपको याद हो नंबर दो इकतालीस मरतबा सुरे फातिहा बिन रजीम बिस्मिल्लाहिर पढ़िएम रहीम से शुरू कीजिए एक मरतबा ये पढ़ लेना काफी है फिर इकतालीस मरतबा शुर फातहा फिर इकतालीस मरतबा ज़ालिमीन, फिर तीन मरतबा शराखलास तीन मरतबा सरे फलक, तीन मरतबा सरे नास उसके बाद ग्यारह मरतबा शरीफ इतना पढ़ना है पढ़कर बीमार पर भी दम कर दीजिए जो कैंसर का मरीज हो या गुर्दे का मरीज हो उस पर दम कीजिए और पानी पर भी दम कर दीजिए और ये पानी पिलाते रहिए उसे दवा पर दम कर दीजिए ये दवा पिलाते रहिए अल्लाह के फजल करम से कई लोगों को बताया कई लोगों की शिफा की खबरें आई हैं। शरे फातहा में शिफा ये तो हदीस शरीफ में है अलहमद ला ला इलांत सुहा इन तुमी गमू से नजात का नुस्खा है कुरान शरीफ में है और, और दूसरी भी कई चीजें खाली तादाद जो है ये हदीस में नहीं आती ये अगले लिखी है इकतालीस मरतबा शरा फातहा इकतालीस मरतबा लाला सुबहान इन कुंत में नजालमीन और ये चीजें ये मैंने कई लोगों को बताई और कई ने लिखी भी है इससे जो है बहुत लोगों को फायदा हुआ आप अपना इलाज जारी रखिए और जब जो हकीम इलाज हो डॉक्टरी इलाज हो लेकिन साथ साथ में ये रूहानी इलाज भी कर दीजिए बड़ा बड़ा बर्तन बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए उस पर भी दम कर दीजिए तो पानी कई दिनों तक तो चलेगा बस इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि उस पानी में दूसरा पानी नहीं मिलाना जैसे ये कहते हैं कि पानी में पानी मिलाते जाओ पानी में पानी मिलाते जाओ इसमें वाले लिखा है लिखा है कि नहीं वही पानी जो दम किया हुआ हो वही होना चाहिए फिर दूसरी बार तो पढ़ लीजिए अब पढ़ने के अंदर एक बात का ख्याल रखिए कि आमतौर से लोगों में सुस्ती होती है किसी मौलि साहब को बुला लिया मोहिमिन साहब को बुला लिया उसने पढ़ लिया भाई जिसे तकलीफ होती है जिसे दर्द होता है वो आदमी इसका ज्यादा ख्याल रखता है इसके लिए अपने बेटे से पढ़वाइये बीवी से पढ़वाइये अपने शौहर से पढ़वाइये अपने भाई से पढ़वाइए जितना करीबी रिश्तेदार होगा वो ध्यान से पढ़ेगा और वो इकतालीस का आदत भी पूरा करेगा वन बाद लोग जो है वो जल्दी जल्दी में पैतीस मरतबा पढ़ लिया तैतीस मरतबा पढ़ लिया तीस मरतबा पढ़ लिया और जाना है जल्दी पढ़ के कर, दम करके रवाना हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए इकतालीस का आदत ध्यान के साथ पढ़िए और फिर देखिए अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन्हें शिफा देगा बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुई है तब जाकर मैं सबक दे रहा हूँ जो भी बीमार हो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कहा आजेला आजेला दाए माँ राता फरमाए चाहे कैंसर का मरीज हो या गुर्दे का मरीज हो और फिर हमें और ये भी याद रखना कि अल्लाह ताला के साथ से उम्मीद भी रखिए, दुआ भी मांगते रहिए खैर खैरत भी करते रहिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको शिफाए का मिला आजेला आजेला दाए माँ मुश्तम फरमाए चलिए मेरे साथ एक मरतबा पढ़ लीजिए सुबहान अल्लाह والحمد لله ولا 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 الله والله حول بالله العلي العظيم बहुत निकिया मिल गयी जिसने पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे बहुत नकियाँ दे दी अल्लाह तमाम सबको कबूल फरमाए आमीन आमीन असलकुम वरम्त लबरक वामदी